ये मेरा कमरा है 10 साल पहले का। ये तो बहुत अजीब सा है। हाँ? ये मेरा कमरा नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे पहले यहाँ कोई और रहता था? मैं सही का। भी नहीं हुए हो? क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे लगता है ये डैड का स्टडी रूम होगा। यहाँ कोई भी नहीं है जबकि आज के दिन मैं पैदा होने वाला था। कहाँ है वो? अरे डैड, आपका स्वागत है। ये बताओ तुम आखिर कौन लोग हो? ये मैं हूँ। नो बताओ डैड, आप अपने बेटी को कैसे भूल सकते हो? समझ में नहीं आता ये कौन है। मुझे अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। नोबिता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भूल गए तुम अभी तक पैदा भी नहीं हुए हो। अरे हाँ, सही कहा। तुम आखिर हो? कहाँ हो तुम? मैं बहुत खुश हूँ। ये डैड को क्या हुआ? मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बच्चा होने वाला है। मैं तो बहुत डांस करूँगा। क्या कहा? नर्स बोल रही हो? अभी नहीं हुआ, खबर बस आने ही वाली है। क्या मैं वहाँ आ जाऊँ? क्या मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए? मैं बस आने वाला हूँ, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। अरे वाह, रुकिए डैड। समझ नहीं आ रहा डैड कहाँ गायब हो गए। हॉस्पिटल में शांति बनाए रखिए। मुझे माफ कर दीजिएगा। शुक्रिया, मुझे नहीं अपनी बेटी को बोलिए। अरे वाह, कितना अच्छा बच्चा है, ला, 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 कितना अच्छा है। फोटो खींचता हूँ। अपने बच्चे की एक फोटो लेना तो बनता है ना? वो हंस रहा है। क्या सच में ये मैं हूँ? कितना अजीब हूँ, बिल्कुल बंदर जैसा। ए, तुम बंदर किसको कह रहे हो? अरे कौन थे वो बच्चे? वो बच्चे यहाँ पर घूम रहे थे, मुझे उनके पेरेंट्स से बात करनी होगी कि उन्होंने मेरे बच्चे को ऐसा क्यों कहा। हाँ डैड ऐसा सोचते हैं क्या? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? अफसोस की बात है, उस वक्त मैं कितना अजीब सा दिखता था। अरे हाँ सुनिए, क्या आपने ग्रैंडमा को फोन कर दिया है? हाँ, उनके तो खुशी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे, वो सबको बताने के लिए बहुत ही उतावली हो रही थी। तुम्हारी वजह से वो कितने खुश हैं। अच्छा तो अब हम इसका नाम क्या रखेंगे ये तो बताइए। मैंने तो पता नहीं कब से इसका नाम सोच के रखा हुआ है। हाँ? हाँ? इसका नाम होगा नोबिता। नोबिता? अच्छा नाम है ना ये? हाँ अच्छा है। मुझे एक अच्छा सा नाम चाहिए था, मैं भी उन्हें बता कर आता हूँ कि वो मेरा कोई ढंग का नाम रखे। अंदर मत जाना वरना वो तुम्हें डांटेंगे। इस नाम का मतलब क्या है? तुम बताओ। ये ढूंढना होगा। हाँ? देखो तुम यहाँ से देख सकती हो, है ना? वो बड़ा सा पेड़ उस नदी के सामने। वो सब तो ठीक है, पर इस नाम का मतलब क्या है? एक बात बताता हूँ, जिस दिन तुमने सबसे पहले बताया था कि हमारा बच्चा होने वाला है,
दिन एक बार मैं वहाँ पर गया था और तब मैंने पहली बार उस पेड़ पर ध्यान दिया था। बहुत ठंड थी उस वक्त, उस पेड़ पर बिल्कुल भी पत्ते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो पेड़ खूबसूरत लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि उसे देखता ही रहूं। जब तक हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं आता, मैं सोचता रहता था कि यहाँ किस तरह के फूल आएंगे। मैं उस पेड़ को बस निहारता रहता था। और इसीलिए आपने मुझे इस हॉस्पिटल में लाने का फैसला किया। हाँ, मैं चाहता था कि हमारा बच्चा बड़ा होकर स्वस्थ बने, अच्छा बच्चा बने, खूब पढ़े, खूब खेले और उस पेड़ की तरह वो हमेशा फलता फूलता रहे। मैंने इस बच्चे का नाम यही सब सोच कर रखा है। अब समझी तुम? बहुत ही अच्छा नाम है। मैं चाहती हूँ कि बड़ा होकर ये एक बहुत ही अच्छा, दयालु और मेहनती, वो स्कूल में जरूर फर्स्ट आया करेगा। अगर वो आपकी तरह होगा तो वो खेल कूद में भी फर्स्ट आया करेगा, है ना? और शायद वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाएगा और एक दिन बड़ा होकर एक महान आर्टिस्ट बन जाएगा। देखा तुमने, मामा डैड तुमसे कितना प्यार करते हैं। चुप रहो। नोबिता क्या स्कॉलर बनेगा? हाँ? या फिर कोई बड़ा खिलाड़ी? चाहे वो बड़ा होकर कुछ भी बने, बस उसे एक अच्छा और नेक इंसान बनना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। वो बहादुर हो, खुश हो, स्मार्ट हो, स्वीट हो, समझदार हो, हैंडसम हो, और इन सबसे जरूरी वो हो एक नरम दिल इंसान। बस कीजिए तुम, आपको इतनी सारी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। क्या कहा तुमने? ये बच्चा इतना भी खास नहीं, नॉर्मल बच्चा है। क्या तुम्हें हमारे बच्चे से कोई प्रॉब्लम है? बोलो, निकल जाओ यहाँ। सॉरी 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 सॉरी, देखो देखो, ये डैड कर रहे हैं। अब मैं इसकी बहुत सारी फोटो खींचूंगा। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारे बचपन की बातें बताया करूंगा। हाँ, ये कितना खुश होगा ना। और जब ये बड़ा होगा तो मुझे डैड डैड कहकर बुलाया करेगा। अरे हाँ, याद आया, चलो उस पेड़ की भी एक फोटो ले लेते हैं। अच्छा लग रहा है, नोबिता को जरूर पसंद आएगा। अच्छा तो ठीक है। अरे अरे, वो कहाँ गया, कहाँ गया वो? अरे वो तो यही था। खुशी में मेरा कैमरा टूट गया था, जिसके लिए मैंने बहुत पैसे जमा किए थे, पर हुआ ये कि वो कैमरा मेरे हाथ से छूटकर पानी में जा गिरा। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी बचपन की फोटो दिखा।
लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सका बेटा। तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम्हारी मॉम और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे पैदा होने से पहले हमें पता नहीं था कि हमारे घर में इतना प्यारा बेटा आने वाला है। मैं ये सब बातें तुम्हें वो फोटोज दिखाते हुए बताना चाहता था, लेकिन एक बात है, वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। अच्छा आप जरा ये देखो नोबिता, ये क्या है? इसमें तुम्हारे कुछ स्केच है। हाँ, मेरा स्केच? जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन पूरी रात बैठकर तुम्हारी डैड ने इन्हें बनाया था। हाँ? मैंने पूरी कोशिश की कि मैं याद कर सकूं जब तुम पैदा हुए थे तो कैसे लगते थे, पर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर तुम बहुत प्यारे थे। पढ़ाई या खेल हो या दोस्ती की हो जो बारी, जैसे सूखा कोई पेड़ हो जो हरा हुआ नहीं। कोशिशें कितनी करके देखी मैं कमजोर भी और असफल भी हूँ। डरना please like and subscribe.